संपूर्ण जैव विविधता को अपने में समेटते हुए निरंतर चलते आ रहा यह चक्र आज भी हमारी आजीविका का बोझ उठाते खड़े हैं। मगर अपनी मनीषा और जरूरतों को पूरा करने के लिए इस धरती का शोषण करते हुए हम भूल गए कि अपने पांव पर ही हम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वातावरण में बढ़ता हुआ प्रदूषण, जमीन की बिगड़ती हुई हालात, पर्यावरण की हानि, इसका परिणाम मानवीय जीवन को प्रभावित करते हुए हमें समझने में ज्यादा देर नहीं। इस समस्या का हल अगर कोई है तो है शाश्वत खेती। शाश्वत खेती को बढ़ावा देने का प्रयास ग्रामीण समस्या मुक्ति ट्रस्ट ने लोगों के साथ मिलकर किया है। शाश्वत खेती का मूल सिद्धांत है मिट्टी और पानी का संरक्षण और संवर्धन, नैसर्गिक खाद के साथ योग्य व्यवस्थापन करना। किसानों को लीसा तंत्र का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें अमृत पानी, दशपर्णि अर्क, बायोडायनेमिक कंपोस्ट, सीड ट्रीटमेंट, मिक्स क्रॉपिंग ऐसे प्रयोग किए गए। इस प्लॉट में मैंने दो लाइन कपास के साथ एक लाइन मूंग और उड़द मक्का बोया। काम सिर्फ 3 बैग में हुआ। जहां मेरा खर्च 12,000 होता था वह इस साल 3,000 पर आया। कपास का उत्पादन निकलने के लिए जब टाइम रहता है तो मिश्र पिक का जो उत्पादन से जो पैसा मिलता है उससे घर खर्चा इनका चल जाता है। किचन गार्डन तंत्र विकसित किए गए। इस किचन गार्डन में बैंगन, टोमेटो, मिर्ची, चवली, वाल, मेथी, पालक इस प्रकार के क्रॉप लिए गए। इन गांवों में परिवारों के सदस्य को फल पर्याप्त मात्रा में मिले, उनको पौधे सहजता से मिले, इसलिए नर्सरी का निर्माण किया गया। कृषि में उपयोग में आने वाले साहित्य सहजता से गांव में उपलब्ध हो, इसलिए कृषि साहित्य उपलब्ध करवा दिए गए। और गांव में ही रोजगार निर्मित हो, इसलिए किसान समूह पांडवीर गांव में दाल मिल यूनिट लगाया गया। शाश्वत खेती के कारण किसानों का खर्चा कम हुआ, जमीन की धूप कम हुई, जमीन में नमी बढ़ी, खाने को अच्छा विष मुक्त आहार मिला। हमारी आजीविका सक्षम करने में शाश्वत खेती का बहुत योगदान मिला है।